तो हम आए हैं मनोड़ा के समंदर पे। पहुंचा तो मैंने जगह जब जाके देखी सो आई हैड चेंज माई प्लान और मैंने कहा कि भाई अब तो यहाँ ब्लॉग बनाना है। मैंने अपने फादर का फ़ोन लिया और उससे ब्लॉग बनाना स्टार्ट हो गया। आगे देखें जी आगे क्या हुआ। तो ये अभी हम जा रहे हैं बोट पे और यहाँ पे सीगल्स भी हैं। सीगल्स दिखाते हैं आपको। ये जा रहे हैं भाई सारे सीगल्स। तो बोट पे हम मनोड़ा जा रहे हैं। रास्ते में एंजॉय करें, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें। उससे पहले क्या हुआ कि हम किमाड़ी पे थे तो हमने एक बोट वाले से बात की। हमने कहा कि हमें मनोड़ा जाना है और उससे पूछा कि आप कितने पैसों में हमें लेके जाएंगे सब कुछ। तो हमने सब कुछ उससे डन किया वहीं पे और फिर हम लोग गए मनोड़ा। मनोड़ा जाके फिर उससे पहले बात सारी ये है कि मेरे जो दादा थे माई ग्रैंड फादर वो मनोड़ा में काम करते थे। उधर उनका ऑफिस था KPT में तो हम लोग को वो जगह देखनी थी तो हम लोग इसलिए वहाँ पर गए थे। तो हम लोग वहाँ पे गए और फिर आगे क्या हुआ आगे आप देख लेंगे। तो ये पूरा मनोड़ा की जगह है। यहाँ पे हम लोग आए देखने के लिए कैसी जगह है। मैं यहाँ पे बोट पे तो मैं यहाँ पहले आया हूँ लेकिन इस जगह पे नहीं आया मैं आज तक। ये जगह देखते हैं कैसी जगह। तो भाई मनोड़ा के अंदर कोई ऐसी हम अपनी गाड़ी में तो मनोड़ा गए नहीं थे तो कुछ ना कुछ करके हमें मनोड़ा के बीच पे तो पहुंचना था। तो हमने अब वहाँ पे कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं था तो हमने रिक्शा लिया और रिक्शे में बैठ के मनोड़ा के बीच गए। हाँ भाई तो रिक्शे में भी व्लॉग आ गया हमारा। तो चलें हम जा रहे हैं ज़रा समंदर देखने के लिए। आए हमारे साथ देखते हैं। हम आए हैं मनोड़ा के समंदर पे और मैं पानी में नहीं जा रहा और यहाँ खड़ा हुआ क्योंकि समंदर के पानी में मैं जाता नहीं हूँ। इस वजह से हम यहीं खड़े होकर आपसे बात करते अच्छे लगेंगे। मसला सारा ये है कि यार जगह अच्छी जगह है और यहाँ आपने आके कचरा फैला तो देख के बहुत बुरा लगता है। जब बोट पर मैं आ रहा था यहाँ पर उस वक्त भी उस जगह पर कचरा पड़ा हुआ था तो ये देख के बहुत बुरा लगा। तो प्लीज़ कोशिश किया करें ये जो ही लोग यहाँ पे आएँ तो यहाँ के कचरे को साफ़ रखें और कचरा ना फेंकें यहाँ पे और इस जगह को साफ़ रखें। तो बस आगे देखते हैं आगे क्या है।